बडी वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर दिस तान्या होप आप लोग सभी सेफ हैं सभी अपने घरों में अच्छे से हैं राइट चलिए तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम लोगों ने हार्डवेयर पढ़ लिया द सेकंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने यह समझा था हार्डवेयर इज द टैंजिबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम जितने भी पेरीफिरल डिवाइजेज हम लोग यूज़ करते हैं वो सभी क्या हैं कंप्यूटर हार्डवेयर अब जितने भी पेरीफिरल डिवाइजेस लाइक इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइेज या वेरियस ऑपरेशन जो आप एक कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करते हैं वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है विदाउट दिस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मीन्स सॉफ्टवेयर कैसा कॉम्पोनेंट है एक इन टेंजेबल जो फिजिकल नहीं है आप लोग नहीं देख सकते कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर कैसा है कैसा दिखता है है लेकिन ये हेल्प करता है आप जो भी ऑपरेशन एक सिस्टम में परफॉर्म करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए कौन हेल्प करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आप एक कंप्यूटर को इनपुट देते हो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो आउटपुट देने के लिए आपका प्रोसेसर फॉलो करता है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स और वही प्रोग्राम्स क्या हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ठीक है गाइज यू कैन सी द डेफिनेशन प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इंस्ट्रक्ट यूजर अबाउट द मशीन आप जब भी एक मशीन के साथ काम कर रहे हैं आपको क्या क्या काम कैसे करना है आपका ऑपरेशन कंप्लीट कैसे करना है उसमें आपको कौन हेल्प करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्प करता है बेसिकली यूजर और मशीन के बीच का एक इंटरफेस भी आप लोग कह सकते हो ठीक है टेल द हार्डवेयर वॉट टू डू जितने भी हार्डवेयर कॉम्पोनेट्स एक कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं वो बिल्कुल भी रन नहीं कर सकते वो अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते विदाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर ही उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है वट टास्क व टास्क दे हाप परफॉर्म ठीक है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसे हम लोग कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा भी कहते हैं इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है ठीक है तो देर आर दर आर वेरियस नेम्स जिससे आप लोग एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हो ठीक है यहाँ तक समझ आ गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की बात करूँ ठीक है अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर जो आप एक सिस्टम में यूज़ करते हो लाइक like एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हो जैसे कि मैं बात करूँ एम एस वर्ड का यूज़ करते हो राइट वेरियस गेम्स आप लोग प्ले करते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हो जैसे कि विंडोज जनरली हम लोग विंडोज यूज करते हैं तो ये सभी क्या है ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में तो यही एक्चुअल में क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ठीक है गाइस चलिए अब आते हैं अब इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को ना इनके यूजेस के बेसिस पे इनके पर्पस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में और मेजर कैटेगरीज जो हम लोग पढ़ते हैं मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज नंबर वन सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर टू पे आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई बुक्स में आप लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक थर्ड टाइप भी पढ़ेंगे आप लोग जो लिखा होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड कुछ बुक्स में आप लोग पढ़ेंगे ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आप सब कैटेगरी में ही पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की ठीक है तो ऐसे कुछ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से बताया गया है किसी में कुछ मल्टीपल टाइप्स बता दी गई हैं या किसी में एक ही टाइप में सब टाइप्स को डिफाइन किया गया है आपको सिर्फ उनका यूजेज उनका पर्पज पता होना चाहिए ठीक है गाइस चलिए तो स्टार्ट करेंगे विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द वेरी फर्स्ट टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो ये मैनेज करता है कंट्रोल करता है जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आप एक सिस्टम में यूज़ करते हैं वो किस किस कौन कंट्रोल करता है वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम लोग बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं क्यों बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर कहते हैं एक्चुअली जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चल रहा है जो तो बैकग्राउंड में प्रोग्राम्स uh, फॉलो हो रहे हैं आपको कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करने में वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है डेफिनेशन आप लोग रीड कर ही सकते हैं मैनेजेस एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन यूजर और जो कंप्यूटर सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसके बीच का इंटरेक्शन कौन हेल्प करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है और जो भी यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं है, यूजर इंटरफेस ठीक है गाइस अगर कभी पूछ लिया जाए कि यूजर इंटरफेस क्या है तो इंटरफेस एज इन मशीन और यूजर के बीच का इंटरफेस जिससे वो लोग आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं ठीक है नाइज आप लोग कैसे इंटरेक्ट करते हो एक सिस्टम से बहुत बार आप लोग कुछ कमांड्स लिखते हो ठीक है अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो आप राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करते हो लिस्ट्स में आपको डेटा दिया होता है या फिर आइकन्स की फॉर्म में डेटा दिया होता है तो ये सब क्या कहता है ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं ये सब सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करते हैं एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में ठीक है अब सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बोला कि एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है अब ये एक ही सॉफ्टवेयर नहीं है एक ही प्रोग्राम नहीं है एक्चुअल में इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जिसमें से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं यूटिलिटीज़ आ जाती हैं उसके बाद डिस्क ड्राइवर्स आ जाते हैं अब यूटिलिटीज में आप लोग एक डिफरेंट कैटेगरी भी कई बुक्स में पढ़ेंगे डिफरेंट कैटेगरी थ्री टाइप्स दिए गए होते हैं बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड टाइप आप लोगों को दी जाती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्चुअली इज अ सब कैटेगरी ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम लोग इसी की कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे ठीक है अब वन बाय वन हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं किस लिए यूज़ होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या है और डिस्क ड्राइवर्स क्या हैं द फर्स्ट कॉम्पोनेट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हो ठीक है आप लोग अपना फोन यूज कर रहे हो वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ठीक है उसके बाद आप लोग अपना पीसी यूज कर रहे हो तो आप अपने डिवाइस के साथ अपनी मशीन के साथ कंप्यूटर के साथ या मोबाइल फोन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो इंटरेक्ट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा कॉम्पोनेंट है जो एक यूजर को यूजर यानी कि हम लोग यूजर को एक एक मशीन के बीच का इंटरैक्ट

फाउंड इन एनी डिवाइस किसी भी तरह के डिवाइस को यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मस्ट ठीक है गाइज जैसे सेल फोन्स की बात करें सुपर कंप्यूटर्स की बात करें गेम कॉन्सोल्स की बात करें वेब सर्वर्स की बात करें तो इन सभी को यूज करने के लिए बेसिकली बस इतना याद करना है एक सिस्टम को आप लोग यूज नहीं कर सकते हो आप एक सिस्टम में अपना जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हो विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मस्ट ठीक है गाइज समझ में आगे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल्स देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया जैसे एमएस डॉस विंडोज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम योनिक्स ये सब क्या है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं कॉमनली जो हम अपने पीसीज में यूज करते हैं दैट इज़ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं ना विंडोज इंस्टॉल करना है विंडोज 10 इंस्टॉल करना है तो ये एक्चुअल में क्या है ये आपका सिस्टम के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल बनाते हैं ठीक है अब बात करूँ एम एस डॉस की एम एस डॉस इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये एक ओल्ड काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरह के सिस्टम को हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं ठीक है ये पहले यूज होता था अभी देखो अभी का जो आप इंटरफेस अभी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज करते हो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है इसके बारे में आगे भी बताऊंगी मैं आप लोगों को कैसे कि आपको ग्राफिक्स की हेल्प से आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो लेट से आपको कोई गेम ओपन करना है आप गेम के लिए आपकी स्क्रीन पर एक आइकन दिया होता है आप आइकन पे क्लिक करोगे ओपन पे क्लिक करोगे आपका गेम ओपन हो जाएगा जस्ट क्लिकिंग से आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कमांड लाइन यूजर इंटरफेस जो है जो जो मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस तरह का इंटरफेस फॉलो करता है यहाँ पर आपको कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए ना एक सिस्टम पे कमांड लिखना पड़ता है लेट से आपको कोई फाइल ओपन करना है तो ओपन करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा ओपन कुछ भी फाइल डिलीट करना है डिलीट करने के लिए भी आपको टाइप करना पड़ेगा डिलीट तो इट वॉज टाइम टेकिंग ठीक है एज वेल एज हर एक कमांड को आपको राइट करना पड़ता था इसीलिए इसका यूज अब कम हो गया है अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जस्ट क्लिक करो आइकन है हमको आइकन देख के समझ आ जा जाता है कि ये एक्चुअल में हमको आइडिया लग जाता है कि ये जो तो सॉफ्टवेयर है इसका फंक्शन क्या है आइकन से ही राइट right? तो उस तरह से आपका और यूजर यूजर का और मशीन का इंटरेक्शन ईजी बनाने के लिए इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे हम लोग विंडोज यूज करते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं राइट right? ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट memory मैनेजमेंट हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट devices इज़ performed by ऑपरेटिंग सिस्टम अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है फाइल मैनेजमेंट की बात करूँ memory मैनेजमेंट की बात करूँ आपकी फाइल्स का ट्रैक कौन सी फाइल कहाँ पर पड़ी है किस directory में पड़ी है उस सब का ट्रैक कौन रखता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम Memory मैनेजमेंट कहाँ कितनी memory कहाँ यूज़ हो रही है कैसे यूज़ हो रही है किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ हो रही है ट्रैक कौन रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पेरिफेरल्स एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उसको भी ऑपरेट करने में कौन हेल्प कर रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो वन एंड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यानी कि यूजर को कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए इंटरैक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है उसके बीच का समझ के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना देयर आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन उसके बाद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे देन हम लोग समझेंगे यूटिलिटीज एंड ड्राइवर्स ठीक है गाइज तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फंक्शन एंड द टाइप्स of operating systems. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस बुक्स में आप लोग वेरियस फंक्शंस देखेंगे बट आई एम गोइंग टू टेल यू द मेजर वंस गेट इट चलिए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन इज बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर अब बूटिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है बूटिंग हम लोग किसे कहते हैं जब भी एक डिवाइस टर्न ऑन होता है जब भी एक सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम को आप ऑन करते हो उसे क्या बोला जाता है बूटअप Boot बूटिंग या उस प्रोसेस को हम लोग बूट स्ट्रैप भी कहते हैं जो होता है यूजिंग अ प्रोग्राम यूजिंग अ सॉफ्टवेयर विच वन बाईस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बताया था जब भी एक सिस्टम टर्न ऑन होता है वो भी यूजिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही होता है ठीक है नेक्स्ट वन इज परफॉर्म्स बेसिक कंप्यूटर टास्क जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की प्रॉपर फंक्शनिंग देखना जितने भी पेरीफिर डिवाइस हैं फाइल मैनेजमेंट कौन सी फाइल कौन सी डायरेक्टरी कहाँ पर स्टोर है उस पर ट्रैक रखना मेमरी मैनेजमेंट कितना मेमरी कहाँ यूज हो रहा है कौन सा फंक्शन कौन सा टास्क कितनी मेमरी जो है ऑक्यूपाई कर रहा है इस सब पर भी ट्रैक कौन रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है ठीक है प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस अब यूजर इंटरफेस स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं यूजर इंटरफेस एक्चुअली मैंने क्या बताया आपके और सिस्टम का जो इंटरफेस है जिससे आप एक सिस्टम पर इंटरेक्ट कर पा रहे हो दो तरह के हैं कौन कौन सा है एक है सी एक जी CLI मैंने बताया कौन सा है स्टूडेंट्स कमांड लाइन इंटरफेस ठीक है जी इसके एब्रीविएशन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जी आई एज मैंने आप लोगों को बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब डिफरेंस क्या है कमांड लाइन जो है ये एक ओल्ड काइंड ऑफ इंटरफेस है कमांड लाइन कमांड लाइन आज इन आपको जब भी एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था आपको एक कमांड लिखना पड़ता था राइट right? जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दी एम एस डॉस की एम एस डॉस इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक कमांड को टाइप करके ही आपका कंप्यूटर आपका टास्क जो है वो एज इनपुट लेता था अब जी यू आई की बात करूँ तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया विंडोज़ का विंडोज आप लोग यूज़ करते हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आइकिन की हेल्प से जो बी से आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है उसका आइकन आपको दिया आप क्लिक करोगे ओपन करोगे डिलीट करोगे रिमूव करोगे यहां से वहां मूव करोगे इजी है जस्ट विद अ क्लिक तो वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है गाइस अब कमांड लाइन का मैं अगर ड्रॉबैक की बात करूँ तो कमांड लाइन जिसे कमांड्स नहीं आती हैं ठीक है लेट्स से या ले मैन है कंप्यूटर सिस्टम यूज नहीं करना आता पहली बार यूज कर रहा है अब उसे क्या पता कि मुझे ओपन लिखना है तो ओपन होगा डिलीट लिखना है तो डिलीट होगा ये तो फिर भी सिंपल कमांड्स है कितने ही कमांड्स आप लोग याद रखोगे एक सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने में तो जो पर्सन डेली रूटीन में ये सब चीजें करता है डेली रूटीन में उन को यूज करता है वो उसके लिए तो इजी है कमांड लाइन इंटरफेस लेकिन जो कभी कभी यूज कर रहा है उसके लिए इतने कमांड्स याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल ठीक है इसीलिए इस चीज़ को इस ड्रॉबैक को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब जो पर्सन डेली नहीं रेगुलरली नहीं कभी कभी भी कंप्यूटर यूज करता है वो भी ईजिली उसका इंटरेक्शन एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ ईजी है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वाई बिकॉज वहां पर यूज होते हैं आइकन्स कोई भी चीज आप लोगों को इंसर्ट करनी है ओपन करनी है मूव करनी है यहाँ से वहाँ दैट इज वेरी वेरी इजी आप आइकन को देखकर ही समझ जाते हो कि आपको क्या प्रोसेस करना है लेट्स से आपको आप राइट क्लिक करोगे आपके पास वेरियस ऑप्शंस आ जाएंगे लिस्ट आ जाएगी ओपन रिमूव ओपन विद लाइक प्रॉपर्टीज तो आप रीड करके ही अब आपको कमांड खुद नहीं लिखना है वहाँ पर रीडेबल होगा आप रीड करके आप देख सकते हो कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है दैट इज़ वॉट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आजकल सिस्टम्स में यूज़ होता है ठीक है समझ में आ गया क्या है यूज़र इंटरफेस उसके बाद आते हैं मैनेज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग एफ एम एस पी बोलते हैं दैट इज़ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जितने भी फाइल्स डायरेक्ट्रीज़ एक सिस्टम पर स्टोर्ड हैं उनका ट्रैक रखना उन्हें रिमूव करना कॉपी पेस्ट ये सब आप किसकी हेल्प से करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही ये सारे फंक्शंस आप लोग परफॉर्म करते हो राइट right? जो इनसफिशियट फाइल्स हैं आप लोगों के लेट से कुकीज़ ठीक है जो नहीं चाहिए जो एक कंप्यूटर सिस्टम में रिक्वायर्ड नहीं है उसे डिलीट करना उसका मैनेजमेंट करना ये भी कौन परफॉर्म करता है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है ठीक है गाइस थोड़ा सा और समझ लेते हैं फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है एक एफ ए टी दूसरा एन टी एफ एस एफ ए टी का फुल फॉर्म है फाइल allocation table and NTFS का full form है new technology file system ठीक है इसका आप लोग abbreviation याद रख लो get it तो abbreviations कौन कौन से सीखे आज हमने CLI GUI FMS FAT NTFM NTFS तो ये जो आप लोग एब्रीविएशन्स कर रहे हो उसमें आप लोग पेंट डाउन कर लो ठीक है गाइज नेक्स्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या आई कैन से आप अपने लैपटॉप में अपने पी में अपने डेस्कटॉप में आप लोग यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं विंडोज़ का यूज़ करते हो आप राइट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लिनक्स का यूज़ करते हो तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना लिनक्स में मैं कह सकती हूँ एंड्रॉइड ठीक है एंड्रॉड का यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फोन में वही है गेट इट उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स दे आर वेरियस टाइप्स आप लोग दस देखोगे बारह देखोगे कई बुक्स में आप लोग पाँच देखोगे लेकिन हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस ही समझने हैं ठीक है अब टाइप्स आप लोग नाम से ही समझ जाओगे कि नाम से ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली टाइप्स क्या हैं सो इनका डेफिनेशन मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊँगी आपको स्क्रीन पर हर एक टाइप का डेफिनेशन जो है वो डिस्प्ले होगा आप लोग वहाँ से पेंट ऑन कर सकते हो ठीक है गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइप इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स students... इस सिस्टम में एक आप एक यूज़र कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली इंटरेक्शन कंप्यूटर सिस्टम का और आपका नहीं हो सकता लाइक like हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं और नॉर्मल क्लिक करके हम लोग आइकन्स को ओपन करके रिमूव करके प्ले करते हैं वॉट जो भी टास्क हम लोग करते हैं लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ नहीं है यहाँ पर होता है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन uh, आप जब भी एक कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हो कोई भी जॉब ठीक है कोई भी जॉब जो भी आप टास्क देते हो उसे हम लोग इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब कहते हैं ठीक है जब भी कोई जॉब आप एक कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए देते हो वो किस में देते हो यूजिंग पंच कार्ड्स ठीक है जी पंच कार्ड्स कुछ इस तरह से दिखते हैं अब इनमें आप लोग हैंड से या फिर यूजिंग मशीन आप लोग डिजिटल डेटा इंसर्ट करते हो डिजिटल डेटा जो भी इनपुट आपको कंप्यूटर सिस्टम को देना है और ये आप एक सिस्टम में एंटर करते हो उसके बाद सी आपका प्रोसेसर इस पर वेरिया स्टार्स जो भी ऑपरेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म फर करता है और आपको एक आउटपुट देता है ठीक है गाइज बेसिक फंक्शनिंग समझ आ गई नाउ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं देखो नाम क्या बोला गया है बैच राइट right? अब अगर मैं नॉर्मल जनरल भाषा में आपसे पूछूं कि बैच क्या है तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ठीक है जब भी आप लोग टेंथ अपना टेंथ स्टैंडर्ड क्लियर करते हो तो आपके फ्रेंड्स या आपका ग्रुप या आपकी क्लास में डिफरेंट बैचेस ज्वाइन करते हैं डिफरेंट बैचेस एज एन कोई मेडिकल का बैच ज्वाइन करेगा कुछ स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल का बैच ज्वाइन करेंगे कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स बैच ज्वाइन करेंगे या कुछ आर्ट्स बैच जो है वो ज्वाइन करेंगे ये हो गए डिफरेंट बैचेस समझ गए आप लोग मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये हो गए डिफरेंट जॉब डिफरेंट बैचेस जिसको जैसा टास्क करना है जिसको जैसा जॉब पसंद है जिसको जैसा फील्ड पसंद है आई कैन से वो वैसे बैच को ज्वाइन करेगा तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है ठीक है जब भी कंप्यूटर सिस्टम में आप पंच कार्ड्स के थ्रू इनपुट देते हो तो प्रोसेसर क्या करता है सिस्टम क्या करता है कि जो सिमिलर बैचेज हैं लेट्स मैं कहूँ कॉमर्स का बैच है ठीक है आप कॉमर्स में सिर्फ वही कॉम्पोनेंट्स होंगे जो कमर कॉम्पोनेंट्स एज इन वही स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉमर्स पढ़ना है तो ये जितने भी मल्टीपल जॉब्स आप एक कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए देते हो ये उनको बैचेज में डिवाइड कर देता है बैचेज में डिवाइड एज इन एक बैच में सिमिलर जैसे जैसे जॉब है वैसे वैसे वो उसके बैचेस बना देता है सिमिलर जॉब्स एक बैच में रहेंगी फिर दूसरे तरह की जो जॉब सिमिलर हैं आपस में वो दूसरे बैच में रहेंगी इस तरह से ये बैचेज में डिवाइड करता है ठीक है अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ जॉब अब ये जॉब एक्चुअल में क्या है जॉब एक्चुअल में टास्क है एक प्रोग्राम है जो आप कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है आपको आउटपुट देने के लिए तो जॉब जैसे हम लोग जनरली यूज़ कर रहे हैं ना कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सिस्टम प्रोसेसर फॉलो करता है तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में उसी सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को उन्हीं प्रोग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं जॉब बोलते हैं एक्चुअली ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा जो भी आप पंच कार्ड के थ्रू एंटर करते हो ठीक है गाइस तो जॉब क्या है एक्चुअल में प्रोग्राम ही है पांच ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में प्रोग्राम को हम लोग जॉब बोलते हैं अब इसका ड्रॉबैक क्या है मैंने आपको क्या बताया कि वेरियस बैचेस में सिमिलर जॉब के बेसिस पर यह बैचेज़ को डिवाइड करता है ड्रॉबैक क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी स्लो है क्यों स्लो है देखो आजकल जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो है मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग अब इससे हम लोग क्या समझते हैं देखो जब भी आप एक सिस्टम यूज़ करते हो एक तरफ आप लोग सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो ठीक है दूसरी तरफ फ्लज से आप लोग कुछ भी एडिटिंग फाइल कर रहे हो तीसरी तरफ आपने पेंट ओपन करके रखा है फिर आप लोग एक प्रेजेंटेशन भी बना रहे हो साथ ही साथ आप कोई मूवी भी देख रहे हो साथ ही साथ आपने कोई वेब ब्राउजर ओपन किया आप गूगल पर भी कुछ सर्च करो तो आप थ्री फोर टास्क एक साथ परफॉर्म रहे हो दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग राइट लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जब तक सी एक बैच जो भी एक पर्टिकुलर बैच है लेट से मैं कुछ यहाँ पर आपको समझा देती हूँ लेट्स से कि ये डिफरेंट बैचेस हैं ठीक है जिसमें सिमिलर जॉब्स सिस्टम ने डिवाइड करके रखी है बैच वन बैच टू बैच थ्री बैच फोर सो ऑन और ये है आपका सी अब सबसे पहले क्या जाएगा बैच वन क्यों क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व ठीक है जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो जॉब पहले आपने जो आपने डेटा इनपुट पंच कार्ड में पहले इंसर्ट किया वो पहले प्रोसेस होगी ठीक है यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग वाला सिस्टम नहीं है जब तक बैच वन का टास्क कंप्यूटर आपका सीपीयू कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक बैच टू जो है वो प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा सकता जब बैच वन खत्म होगा उसी के बाद बैच टू जाएगा नॉर्मल एक्चुअल नहीं नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं जब तक अगर आप एक सॉन्ग प्ले कर रहे हो जब तक आपका अपना सॉन्ग प्ले करने का टास्क खत्म नहीं होता तब तक आपका वेब ब्राउजर का काम नहीं चलेगा तब तक आपका एडिटिंग का काम नहीं चलेगा एक टाइम पर आप एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हो एक टाइम पर आपका सीपी एक ही इनपुट को प्रोसेस करेगा समझ गए तो यही है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आई होप आपको इन एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो गया होगा व्हाट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेफिनेशन आप लोगों ने पेन डाउन कर लिया होगा अभी तक ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग की बात करूं तो नेम से ही डिफाइन होता है यहां पर सीपीयू स्केड्यूलिंग का यूज होता है सीपीयू स्केड्यूलिंग एज इन सीपीयू अपना टाइम जो है वेरियस प्रोसेस में शेयर कर देता है इसे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे मैंने बताया मल्टीपल टास्क एट टाइम परफॉर्म कर सकते हो तो सीपीयू जितने भी टाइम आप एक सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हो सबको एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग टाइम जो है वो डिवाइड कर देता है जिससे आप क्विकली एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर शिफ्ट करते हो और उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हो अब वो जो शिफ्टिंग का टाइम है वो बहुत ही कम होता है कि इनसे मिली सेकेंड्स का टाइम होता है और आप लोगों को लगता है कि सभी टास्क आप लोग एक साथ परफॉर्म कर रहे हो सभी टास्क आप लोग एक साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हो आप एक चीज़ कर रहे हो उसके बाद आप दूसरा विंडो ओपन करते हो तो सी जो है वो फटाफट एकदम से शिफ्ट कर जाता है दूसरे टास्क पर दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द यूज़र अकॉर्डिंग टू द यूज सी जो है अपना प्रोसेसिंग जो है वो स्केड्यूल करता है शिफ्ट करता है ठीक है स्टूडेंट्स तो इसी को हम लोग कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेम से ही डिफाइन होता है ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो सिंगल यूजर के लिए बने हैं जो एट अ टाइम सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे मैंने आप लोगों को पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के बारे में बताया था जिसमें हमने पीडीए पढ़ा था राइट अब उसमें क्या होता है एक टाइम पे एक तो सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है सेकंडली सिंगल यूजर एट अ टाइम एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहा जाता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स ठीक है गाइस नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइप है सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम अब

ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट एज इन ए यूज़ करते हो वहाँ पर भी तो एक सॉफ्टवेयर से ही आपका ए मशीन से इंटरेक्शन हो रहा है जब भी आप लोग कुछ क्लिक करते हो लेट से आपको विद्रॉ करना तो आप विदड्रॉ पे क्लिक करते हो है ना कोई अकाउंट सेलेक्ट करना है लेट से करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो वो भी तो एक इंटरफेस ही है वो भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ए में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है आपकी कार में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एयरप्लेन कंट्रोल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल टेलीविजन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं राइट तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके पीसी से या लैपटॉप से थोड़ा सा हटके हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से तो आप सभी लोग अवेयर हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मैं बात करूँ गूगल एंड्रॉइड ठीक है विंडोज फोन एप्पल आई ये सभी क्या हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इतने फुल फ्लिज फीचर नहीं होते जैसे आपके लैपटॉप या पीसी का होता है बट स्टिल यू कैन डू मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग आप अपने फ़ोन पे भी करते हो राइट right? जैसे एक तरफ आप कोई मूवी देख रहे हो साथ ही साथ आप लोगों ने एक और सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है अपनी गेम का साथ ही साथ आप लोग कैलेंडर का सॉफ्टवेयर भी ऑपरेट ओपन करके रखा है तो वेरियस सॉफ्टवेयर एट अ टाइम आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी यूज़ कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग अब मल्टी प्रोग्रामिंग तो मैं बहुत ही सभी टाइप्स में एक्चुअली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एट अ टाइम आप लोग मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल टास्क जो है एक सिस्टम पर परफॉर्म कर सकते हो है ना अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में मेजर डिफरेंस क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने क्या बताया एट अ टाइम एक ही टास्क परफॉर्म करेगा जब तक वो टास्क सीपीयू पूरा प्रोसेस नहीं करता आउटपुट नहीं देता तब तक सेकंड बैच जो है वो सीपी यू एज इनपुट नहीं लेगा राइट जहां तक मैं बात करूं मल्टी प्रोग्रामिंग की तो ये मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है यहां पर एक सेकेंड के लिए भी मिली सेकंड के लिए भी आपका सीपीयू जो है वो आइडल स्टेट में नहीं रहता एक टास्क खत्म हुआ तो उसी के साथ वो दूसरा लेगा अगर एक टास्क इनपुट आउटपुट के लिए किसी और प्रोसेसिंग के लिए गया है तो साथ ही साथ जब तक सीपीयू सिस्टम आइडल रहेगा उससे बेटर है सीपी यू दूसरा प्रोसेस जो है वो दूसरा टास्क जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है तो यहां पर सीपी यू आइडल नहीं रहता लेकिन बैच प्रोसेसिंग की बात करूँ तो एक टास्क के कंप्लीट होने तक

यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ठीक है क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हेल्प्स टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस बेसिकली उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए उसको और ड्यूरेबल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो हमारे सिस्टम में यूज़ होते हैं या प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में होते हैं इट डज़ नॉट डायरेक्टली इंटरफेस विद द हार्डवेयर अगर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरफेस नहीं करता ये इनडायरेक्ट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है ठीक है जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स अब एंटीवायरस वायरल सॉफ्टवेयर का आप किस लिए यूज़ करते हो वायरस को स्कैन करने के लिए जिससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम करप्ट ना हो राइट उसके बाद फायर वॉल फायर वॉल भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी तरह के से किसी भी तरह के करप्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं राइट तो कंप्यूटर को मेनटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर सिक्योर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग कह सकते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं ठीक है सबसे पहले तो आता है फाइल क्लीनअप अब आपके सिस्टम में बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जो अननेसेसरी हैं ठीक है आपके हाइड्राब में बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं डायरेक्टरीज होते हैं जो अनयूजेबल है जैसे ने हमने लंबे समय तक यूज नहीं किया है या फिर जब आप भी कभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो कुकीज आपके किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाते हैं या इंटरनेट से कई भी अननेसेसरी फाइल्स जो डाउनलोड हो गई हैं उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना डिस्क की स्पेस को क्लीन करते रहना जो एक अननेसेसरी काइंड ऑफ स्टेट जो है आपके डिस्क में यूटिलाइज हो रही है उसको फ्री करते रहना इस डिस्क क्लीनअप समझ गए यहां तक नेक्स्ट आता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन नो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है डिवाइडेड इन टू पीसिस राइट right. अब इसको ना मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूं देखो हमें पता है मैंने आपको बताया हमारा डिस्क जो है वो वेरियस सेक्टर्स में डिवाइड होता है ट्रैक्स में सेक्टर्स में डिवाइड होता है और हर सेक्टर में हम लोग कह सकते हैं वेरियस तरह के फाइल्स वेरियस तरह का डेटा जो है वो स्टोर रहता है अब देखो अगर मैं अपने हार्ड ड्राइव में अपने हार्ड डिस्क में कुछ दस फाइल्स जो हैं एक सीक्वेंस में स्टोर करती हूँ ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन टेन टेन फाइल्स मैंने एक सीक्वेंस में स्टोर किया ठीक है हार्ड ड्राइव में स्टोर कर दिया अब जरूरी नहीं है कि जब भी आप एक डिस्क में हार्ड ड्राइव में आप कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हो तो एक ही जगह वो रहे फाइल्स अपनी लोकेशन हमेशा चेंज करती रहती हैं ठीक है अब आपने दस फाइल्स सेव किए अब लेट्स से अगर मैं मानूँ कि मैंने फाइल थ्री फाइल फोर एंड फाइव फाइल डिलीट कर दिया ठीक है ये तीन फाइल्स मैंने बीच में से डिलीट कर दिया दैट मीन्स पहले फाइल वन है फाइल टू है उसके बाद थ्री फोर फाइव की जगह क्या हो गई खाली हो गई एम्प्टी हो गई उसके बाद अंसे सिक्स सेवन एट नाइन फाइल्स ठीक है तो आपका सिस्टम आपका प्रोसेसर जब फाइल्स को एक्सेस करेगा लेट्स से फाइल वन फाइल टू को एक्सेस करेगा वो तो उसको प्रॉपरली सीक्वेंस में मिल जाएगी अब उसको नेक्स्ट फाइल में जाना होगा तो ये स्पेस क्या है ये स्पेस तो रह गया खाली है ना अब इस खाली स्पेस है उसके बाद वो करेगा नेक्स्ट फाइल को एक्सेस अब जो खाली स्पेस आया ना इसकी वजह से आपके सी को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है नेक्स्ट फाइल को एक्सेस करने में जिसकी वजह से हमारा सी की जो ड्यूरेबिलिटी है लाइफ टाइम जो है वो डिक्रीज़ होता है अक्सर आप लोग देखते हो आपका सी पी गर्म हो जाता है सिस्टम गर्म हो जाता है वो किस वजह से होता है वो इसी वजह से होता है ठीक है फाइल्स को एक्सेस वो इन टाइम नहीं कर सकता स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है राइट तो इसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो हमारे हम कह सकते हैं हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने इसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए फाइल स्टोरेज का जो मैनेजमेंट है। उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए किसका यूज किया डिस्क फ्रेगमेंटेशन का इसी का मतलब है डिस्क फ्रेगमेंटेशन कि जो भी फाइल्स जो हैं वो सीक्वेंस में रहे जिससे सीपीयू को कोई खाली स्पेस ना रहे बीच में और सीपीयू को फाइल्स एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम ना यूज हो जिससे उसकी लाइफ टाइम जो है वो भी कम ना हो ठीक है इसे हम लोग अगर जब तक मैं बात करूँ विंडोज सेवन तक की इसे हम लोग डिस्क फ्रेगमेंटेशन ही कहते थे लेकिन जब विंडोज एट आया विंडोज टेन आया तो आजकल हम इसे डिस्क ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं तो कभी भी पूछा जाए कि डिस्क ऑप्टिमाइजेशन क्या है तो वो डिस्क फ्रेगमेंटेशन ही है आपके डिस्क आपके हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज है उसको एक ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए ठीक है गाइस चलिए नेक्स्ट आता है डिस्क कंप्रेशन अब जो अनयूज फाइल है बहुत लंबे समय से जो फाइल्स पड़ी हैं जो अनयूज है हार्ड uh, ड्राइव में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं तो स्पेस को फ्री करने के लिए बेसिकली हार्ड ड्राइव फुल ना हो उसमें स्पेस रहे उसको फ्री करने के लिए कुछ फाइल्स जो है आपकी सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड फॉर्म है उसका जो साइज़ है वो कंप्रेस कर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्क कंप्रेशन वो भी कौन परफॉर्म करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही परफॉर्म करते हैं फाइल्स का साइज़ कंप्रेस कर देते हैं जिससे कम स्पेस यूज़ होगी और जो आपका हार्ड डिस्क में आपकी हार्ड ड्राइव में जो स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी ठीक है फैंस नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर रिस्टोर बैकअप आपका जो भी फाइल्स रिस्टोर है उसका बैकअप है कॉपीड फॉर्म्स जो है उसकी मेंटेन करके रखना वो भी कौन करते हैं वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ही करते हैं लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट वन एंटीवायरस अब एंटीवायरस आप सभी लोग अवेयर हैं एंटीवायरस क्या होता है आपके सिस्टम्स में कोई भी वायरस है या नहीं उससे स्कैन करता है राइट right? जिससे आपका सिस्टम करप्ट ना हो जाए आपका सिस्टम करप्ट ना हो जाए कोई थिफ्ट के चांसेस ना हो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एंड सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आते हैं ठीक है इन शॉर्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हैं जो एक सिस्टम को यूजफुल ड्यूरेबल और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है गाइज तो ये होगी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साथ ही साथ एक और छोटा सा कंसेप्ट आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ आपके सिलेबस में डिफाइंड uh, है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज अब ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज क्या हैं कैसे हम लोग कहां यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे ठीक है गाइस और येस नेक्स्ट लेक्चर आपको कल ही मिलेगा परेशान होने की जरूरत नहीं है कोई भी डिले नहीं होगा लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर आज आपको ट्यूजडे है आज आपको ये लेक्चर मिल रहा है कल वेस्डे ही आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का लेक्चर कल ही मिलेगा ठीक है गाइन्स सो तब तक के लिए गुड लक कीप ग्रोइंग कीप स्टार्टिंग बाय